76 साल के इतिहास में टोयोटा ने एक लंबा सफर तय किया है और टोयोटा ऑल्टिस के 11वें जेनरेशन के लॉन्च से साबित कर दिया है कि ये ब्रांड अब भी कितना लोकप्रिय है। और कोरोला ऑल्टिस के नए अवतार को इस हफ्ते टोयोटा ने पेश किया, जिसे पहले भी हम 2014 के ऑटो एक्सपो में लॉन्च होते हुए देख चुके हैं। टोयोटा कोरोला ने पेट्रोल वर्जन की कीमत 11,99,000 रखी है और डीजल की कीमत 13,70,000 से शुरू होती है। भारी डिमांड की वजह से डीलर्स ने इस कार की बुकिंग लॉन्च से पहले ही शुरू कर दी है और अभी तक भारत में 88,500 यूनिट बिक चुके हैं। टोयोटा ने डीजल के 4 और पेट्रोल के 5 वेरिएंट्स उतारे हैं। नई डिजाइनिंग के साथ नए जमाने की सोच नजर आ रही है। एक्सटर्नल डिजाइन में खास सुधार किए गए हैं, जैसे बड़े स्वेप्ट बैक डुअल बैरल हेडलैम्प्स एलईडी के साथ, बड़े क्रोम फ्रंट ग्रिल और कॉन्टूर्ड रियर डिजाइन के साथ। इसमें लगा है 1.8 लीटर का VVTi पेट्रोल इंजन और 1.4 लीटर का D4D डीजल इंजन, जो 138 bhp और 89 bhp की ताकत देता है। पेट्रोल और डीजल इंजन में लगा है 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स और पेट्रोल मॉडल में लगा है 7-speed CVT गियरबॉक्स। ऑल्टिस के इंटीरियर को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें पिछले मॉडल के मुकाबले 100 mm ज्यादा लेग रूम दिया गया है। कार की एरोडायनामिक्स और संतुलन को बनाए रखने के लिए टोयोटा ने इस कार की ऊंचाई 5 mm कम की है और पिछली सीट पर कंफर्ट को बेहतर करने की कोशिश की है। इस कार को कई नए रंगों में भी उतारा है। सुरक्षा के लिहाज से ब्रेक असिस्ट, डुअल SRS एयरबैग, इमोबिलाइजर और रियर कैमरा भी है, 7 इंच के LED स्क्रीन के साथ।